जैसे जैसे एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कोई न कोई बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि पीएम से मिलकर जल्द तय करेगी एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम की ओर से देवघर एयरपोर्ट की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजे जाने के बाद अब मंत्रालय से देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय करने की कवायद शुरू हो गई है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मुलाकात कर देवघर एयरपोर्ट की तैयारी से अवगत कराया। साथ ही धार्मिक व पर्यटक स्थलों के साथ साथ देवघर एम्स के दृष्टिकोण से जल्द ही देवघर एयरपोर्ट को चालू करने की आग्रह किया। साथ ही उद्घाटन से पहले सांसद ने श्री सिंधिया से भी देवघर एयरपोर्ट के निरीक्षण व बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए देवघर आने का न्योता भी दिया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सांसद को आश्वासन दिया है कि देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री से समय तय करने का आग्रह किया जाएगा। प्रधानमंत्री से समय तय कर देवघर एयरपोर्ट को जल्द चालू किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा देवघर एयरपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को प्राप्त हो गई है तथा मंत्रालय के स्तर से इसकी समीक्षा भी की जा रही है। 14 मार्च को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट में दिसंबर में हुए रनवे की कैलिब्रेशन टेस्ट रिपोर्ट की सभी मानकों के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी विजिट रिपोर्ट में देवघर एयरपोर्ट में तत्काल झारखंड पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा जरमानों की पदाधिकारियों की संख्या की रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी गई है। इस रिपोर्ट को मंत्रालय द्वारा पीएमओ को भी भेजी गई है। रिपोर्ट आने के बाद अब देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की कवायद शुरू हो गई है। दोस्तों, इसी बीच देवघर पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैजनाथ धाम आने का निमंत्रण भेजा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि बैजनाथ धाम के लोग एयरपोर्ट और एम्स लोकार्पण के लिए एक महान शिव भक्त प्रधानमंत्री की वाट जोह रहा है। जिस तरह बनारस देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, देवघर भी पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक नगरी भी कही जाती है। इसलिए देवघर के तमाम तीर्थ पुरोहित द्वारा प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि आप बैजनाथ धाम आए और स्पर्श पूजा करने के बाद अपने अंदर के शक्ति पुंज को और प्रज्वलित कर गुणात्मक गति से देश की सेवा करें। साथ ही आग्रह में कहा है कि बैजनाथ धाम के नाम पर इस देवघर एयरपोर्ट का नाम रखकर सभी सनातनी को उपकृत करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री को इस आग्रह पत्र के द्वारा जल्द से जल्द उद्घाटन के लिए आने की आग्रह किया गया है, जिसमें उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री से इसके लिए टाइम ली जाएगी और देवघर एयरपोर्ट को चालू किया जाएगा। दोस्तों, यह न्यूज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।